आपको मिलाते हैं अपने शेफ से, तो आपका नाम क्या है? Hi foodie, my name is Romil Chauhan and I'm taking care of the kitchen operation of Thika the food bar. वैसे आपका नाम बड़ा अच्छा है, Romil. Thank you. Yeah. आपकी जूली भी, तो आज हम आ चुके हैं लक्ष्मी नगर. कहाँ पर आए हैं हम आज? ठेका द फूड बार. तो आप सोच रहे होंगे ये बार नहीं है, ये सिर्फ शोकेस के लिए है. असली माल इसका सॉफ्ट ड्रिंक्स और शेक्स है. आप देख सकते हैं इसमें डेजर्ट भी है और खाना भी अलग अलग तरीके का है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा खाना है. तो इसका हम प्राइस देखेंगे, क्वांटिटी कितनी आती है, ये वर्थ है नहीं है, वो आपको सब पता चलेगा वीडियो में. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस अपनी पहली डिश आ चुकी है, चिली चीज टोस्ट. तो देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, आप बताओ इसका प्राइस कितना हो सकता है, कमेंट करके अंदाजा बताओ. फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, सिर्फ 45 रुपीज. 50 रुपए की पूरी नहीं, सिर्फ 45 रुपीज में, वो भी 4 पीस. और इतना बढ़िया लग रहा है ना ये देखने में, आप देख रहे कैमरा में कितना बढ़िया लग रहा है. काफी बेक है ये, और इसके ऊपर इसको हम देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट. इसको तोड़ के देखते हैं. अब इसको एक बार ट्राई करते हैं इसका कैसा टेस्ट है. काफी बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसका, चीज का भी एकदम परफेक्ट फ्लेवर है विद ऑरिगेनो के साथ, और सीजनिंग का बहुत अच्छा ही फ्लेवर है. इसको एक बार थोड़ा मेयोनीज के साथ ट्राई कर लेता हूँ. बहुत बढ़िया है इसकी, वर्थ है 45 रुपीज में, एक दिन आराम से खा लेगा ये, एकदम वर्थ है. तो चलिए नेक्स्ट चीज ट्राई करते हैं. तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे साथ दो चीजें और आ चुकी हैं. ये हमारे चिली पोटैटो हैं और ये है कूलर. ये वर्जिन मोहितो है और एक वाटरमेलन मोहितो है. तो दोनों का प्राइस 50 ईच है. तो आप कहीं भी जाते हो तो कहीं से कम 150 से 200 रुपये का मिलता है, और ये क्वान्टिटी में बहुत बढ़िया है. ये तो थोड़ा सा पी चुका हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है तो इससे थोड़ा पी लिया मैंने. और ये है चिली पोटैटो, ये है 89 रुपीज के, बहुत अच्छा है ये. इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं. बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है चिली पोटैटो में. ये बहुत ही क्रिस्पी है और इसमें काफी वेजीज भी डली हुई है, जैसे शिमला मिर्च हो गया, अनियन हो गए, और ये मेयोनीज भी डाल रखी है. और मेरे को हनी का टेस्ट भी आ रहा है, मतलब ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा वो, इसलिए बहुत बढ़िया इसका कॉम्बिनेशन बना रखा है. स्वाद आ गया, आप जरूर आए यहाँ पे ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया है. तो चलिए नेक्स्ट डिश ट्राई करते हैं क्या आती है. तो गाइस हमारा पास्ता आ चुका है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये व्हाइट सॉस पास्ता. इसमें काफ़ी सारी वेजीज दिख रही है, ये एलोपिनोज हैं, ब्लैक ऑलिव हैं, चीज़ भी काफ़ी लग रही है, मेयोनीज है. तो इसका टेस्ट करके बताते हैं कैसा है. काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है, चीज़ का एकदम अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्रीमी, बहुत ही अच्छा क्रीमी है. और इसमें वेजीज भी अच्छी अच्छी है, शिमला मिर्च हो गई. ये पास्ता 89 रुपीज का है और ये काफ़ी वर्थ है. 89 रुपीज के हिसाब से एक या दो जने आराम से इसको खा सकते हैं. बहुत बढ़िया इसका टेस्ट लगा मेरे को, सीजनिंग भी काफी अच्छी डाल रखी है, उसका भी अलग से बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है. और अलग ये ब्लैक ऑलिव का भी अच्छा टेस्ट है, इसमें स्वीट कॉर्न भी, ओवरऑल ये बहुत बढ़िया है. तो आप यहाँ पे ये वाला पास्ता जरूर ट्राई करें, व्हाइट सॉस पास्ता, वर्थ है टोटल 89 रुपीज, तो बिल्कुल वर्थ है. तो हम आपको मिलाते हैं अपने शेफ से, तो आपका नाम क्या है? हाय फूडी, माय नेम इज रोमिल चौहान एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द किचन ऑपरेशन ऑफ ठेका द फूड बार. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम वी आर ट्राइंग टू गिव अ डिफरेंट पैलेट टू द फूड, टू द ऑल द फूडी हु आर कमिंग ओवर हियर. सो हमने भी मैनिपुलेट करा हुआ हमने अपने खाने के साथ, और इसमें यू कैन फाइंड अ टच ऑफ इटली
और यू नो हमारा जो एक देसी हमारा जो पैलेट होता है हम वो भी ट्राई कर रहे हैं, और साथ साथ हमारा इसके साथ शेक्स है, बर्गर्स है जो इसके लिए काफ़ी फेमस है। सो हम ट्राई कर रहे हैं और ये एक महीना हो गया इसे खुले हुए। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल द फूडीज ऑफ दिल्ली टू कम ओवर हेयर एंड टेक अ सिप ऑफ शेक एंड टेक अ बाइट ऑफ फूड ऑफ आवर। तो आपका सबसे बेस्ट सेलिंग क्या है? बेस्ट सेलिंग हमारा जो अभी हमारा है वो बर्गर और चाइनीज क्यूजीन हमारा बेस्ट सेलिंग है, और पास्ता भी हम क्या तो बोल सकते हैं, तो पास्ता भी हमारा बेस्ट सेलिंग है। तो आपने तो फूड खाया है क्या? हाँ, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, मेरे को सबसे अच्छा पास्ता ही लगा है। थैंक यू। शेक्स भी काफी अच्छे थे, मैंने शेक्स भी ट्राई किए। सो अभी हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, हम इसको नॉर्थ इंडियन भी डालेंगे सून। तो वो भी हमने मेन्यू बना दिया उसका। सो नाउ यू विल गेट द इंडियन फूड एज वेल इन द फूड टेक अदर फूड पार्ट। तो ये इसका टाइम कब से कब तक रहते हैं? अभी जो टाइमिंग है इसकी है 2 to 2 फ्रॉम आफ्टरनून एंड टिल 2 नाइट। ये तो काफी बढ़िया हो गया, यहाँ पीजीज भी काफी हैं तो उनके लिए बढ़िया है। तो उसी को माइंड में रख के हमने इसका टाइमिंग जो है हमने थोड़ा लिफ्ट करा है 2 to 2। वैसे आपका नाम बड़ा अच्छा है, रोमियो। थैंक यू। आपकी जूलियट कहाँ है? शी माइट बी बिजी विद किचन, आई नो यू कैन फाइंड इन किचन। हमारा फार्म हाउस पिज्जा आ चुका है और साथ में किटकैट शेक। तो आप पिज्जा देख सकते हैं कितना लोडेड लग रहा है, कितना अच्छा चीजी लग रहा है। इसमें आप वेजीज देख सकते हैं कितनी सारी डली हुई है, ब्लैक ऑलिव्स हैं, कैप्सिकम है, टमाटो है, सीजनिंग कितनी अच्छी से डाल रखी है, और चीज तो एकदम बढ़िया से बेक कर रखा है। एक बार इसको पीस निकाल के देखते हैं। ये देखो ये चीज काफी चीजी लग रहा है, देख सकते हैं इसका क्लोजअप देखो आप। मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ वो कैसा है। इतनी बढ़िया चीज है, मुंह में जाते एकदम चीज का पूरा फ्लेवर आ गया, और उस वेजीज का जो टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आ रहा है, और जो उसका बेस है वो काफी थिन है वो काफी बढ़िया है और एकदम बेस्ट है। 90 रुपीज में फुल्ली वर्थ है, 2 डिनर इसको आराम से खा सकते हैं। तो अब हम किटकैट शेक को ट्राई करते हैं वो कैसा है। ये 70 रुपीज का है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्लास है, और ये ऊपर किटकैट डाल रखी है। कितनी गर्मी लग रही थी एकदम, ये पी के मजा आ गया, बहुत बढ़िया एकदम ठंडा शेक है। इसको आप जरूर ट्राई करें किटकैट शेक को, इसका टेस्ट बहुत बहुत ही बढ़िया है। जो किटकैट का टेस्ट है ना वो भी आ रहा है इसमें, किटकैट क्रश का भी आ रहा है। इसी में सारा खाना खत्म करके आपको मिलता हूँ एंड में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसका खाना बहुत बढ़िया था, हमने इसकी काफी वैरायटी टेस्ट की है आपने देखा ही होगा, और उसका एम्बियंस बहुत बढ़िया है, मतलब आप फ्रेंड्स के साथ आइए बहुत मजा आएगा, और बहुत रीजनेबल प्राइस है, ये सबसे अच्छी बात है, और वर्थ है खाना पूरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।